तो दोस्तों आज हम बात करेंगे बोरोसिल रिन्यूएबल के स्टॉक के बारे में। बोरोसिल रिन्यूएबल के स्टॉक में नेक्स्ट ट्रेडिंग वीक के लिए क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने को मिल सकते हैं, उसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे हम। अगर यहाँ पर स्टॉक की बात करें तो हम देखेंगे जो ये स्टॉक है ये हमको पिछले एक लंबे समय से यहाँ पर लगातार क्लियर डाउन ट्रेंड में देखने को मिल रहा है। हमको यहाँ पर स्टॉक में लोअर हाई वाला पैटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अभी रिसेंटली हमको यहाँ पर स्टॉक में तेज़ी देखने को मिली थी, लेकिन तेज़ी के बाद भी यहाँ पर स्टॉक अपनी तेज़ी को कंटिन्यू नहीं रख पाया और आज अगेन हमको यहाँ पे स्टॉक में 0.62% की यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है। तो यहाँ से अभी हम स्टॉक में बात करें, यहाँ से अभी अगर स्टॉक में और गिरावट आती है तो यहाँ से अभी और गिरावट की कंडीशन में हमारे पास यहाँ पे स्टॉक में 413 का पहला यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक यहाँ पर इसको ब्रेक करेगा देन यहाँ से हमको स्टॉक में 394, और अगर स्टॉक ने यहाँ पर इसको भी ब्रेक किया देन यहाँ से अभी हमको स्टॉक में अगेन 378 तक के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे एज अ नेक्स्ट स्टेप पर सपोर्ट। भाई यहाँ से अब अगर स्टॉक में रिकवरी आती है तो यहाँ से अब रिकवरी कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक का 425 का पहला यहाँ पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक यहाँ पर इसको ब्रेक करता है देन यहाँ से हमको स्टॉक का 47447, और अगर स्टॉक ने यहाँ पर इसको भी ब्रेक किया देन यहाँ से अभी स्टॉक में अगेन एक बड़ी तेज़ी बड़ी बाइंग यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। अगर स्टॉक ने यहाँ पर इसको भी ब्रेक किया देन यहाँ से हमको स्टॉक है 476, इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक है 712, और अगर स्टॉक ने यहाँ पर इसको भी ब्रेक किया देन यहाँ से अभी हमको स्टॉक में 560, और इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में 600 तक के लेवल्स भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं एज अ नेक्स्ट स्टॉप पर रेजिस्टेंस। तो ये स्टॉक में कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, आप इन पर ध्यान दे सकते हैं। बाकी वीडियो में कोई बाय सेल होल्डिंग सलाह नहीं है, वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। धन्यवाद।